तो बजट सीजन है आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यही लास्ट सीजन है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो भी हम लोगों का स्टेट का पॉलिसी है, डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है, जो कुछ असेंबली में सब कुछ तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको इलेक्शन का कैंपिंग भी अभी चालू हो चुका है, किसके पार्टी आने से अच्छा होगा वो भी मुझे कम करके जरूर बताएगा। ठीक है, अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ITBPF है आपका, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, तो और भी है, ठीक है। अगर असेंबली में बात ये बात तो नहीं होगा, मेघालय पुलिस का रिजल्ट आने से अच्छा था या नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल, और आज मैं बताने वाला हूँ फिर से मेघालय पुलिस के रिजल्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि आज पता है आप सभी को, मतलब हमारे मेघालय का जो बजट सीजन है आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यही लास्ट सीजन है। और ये लास्ट सीजन में अगर हमारा मेघालय असेंबली में ये बात रिजल्ट की बात जो अगर नहीं निकलेगा ना, तो रिजल्ट होने के चांसेस 99% कम है, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि जो रिजल्ट है हम लोगों का इस लास्ट सीजन में नहीं होगा, तो आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा। तो बहुत सारा लोगों का डाउट है, इसलिए मैं ये डाउट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो भी हम लोगों का स्टेट का पॉलिसी है, डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है, जो भी है बजट है, सब कुछ असेंबली में सब कुछ तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग पूरा वहाँ से ही शुरू होता है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि आज लास्ट सीजन है, और आप लोगों का अगर असेंबली में इस मेघालय पुलिस के रिजल्ट के बारे में बात नहीं हुआ तो चांस नहीं है, इस साल नहीं है, नेक्स्ट साल हो जाएगा। नेक्स्ट साल तब कब होगा आप सभी को पता है, इलेक्शन का कैंपिंग भी अभी चालू हो चुका है, बहुत दिनों से, एक महीने के पहले से ही चालू हो चुका है, और कैंपिंग के बाद आप लोगों का इलेक्शन हो जाएगा फरवरी मार्च को, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट होते होते अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल के बाद आप लोगों का कैबिनेट बनाएगा, एक नया सरकार कौन आएगा नहीं आएगा, और इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताना कि इस साल को मतलब नया जो स्टेट गवर्नमेंट है किसके पार्टी आने से अच्छा होगा, वो भी मुझे कम करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आप सभी को पता है, बहुत पार्टी जो कि एक मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। तो अब आ गया हम लोग का अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल तक रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन 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 सा डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का प्रोसेसिंग जो है वही अप्रैल तक तो वही हो गया, उनका ही टाइम लग जाएगा। तो मैं जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त नेक्स्ट ईयर में आप लोगों का मेघालय पुलिस के रिजल्ट होना चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इस साल नहीं है, आज अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, आज नहीं होगा, अगर असेंबली में बात ये बात तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर तक चांसेस है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, इसके बारे में ज़रूर बताना, मेघालय पुलिस का रिजल्ट आने से अच्छा था या नहीं, और किसका पार्टी इस साल आएगा हमारा मेघालय गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, और लास्ट में एक बार आप लोग को कहना चाहूँगा कि दूसरे पोस्ट में आप लोग ट्राई करते रहना, यहाँ भी बहुत सारा ऑनलाइन निकल चुका है फॉर्म, ठीक है, जैसे कि ITBPF है आपका, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, तो और भी है, ठीक है, और जो लोग 12 पास है आप सभी को पता है BSC का भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट निकला हुआ है, जो लोग हायर सेकेंडरी पास है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एक ही मतलब एक की अगर उसको हम लोग भरोसा करके रहेगा तो कुछ नहीं होगा, हम लोग का ऐसा ही टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और जो लोग ट्रेड टेस्ट अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किस तरह से आप लोग ट्रेड टेस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेघालय पुलिस का, या ऑल इंडिया लेवल का जितना भी फोर्सेज का स्वीपर ट्रेड एक ट्रेड के एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मेरे से ही आप लोग को अपडेटेड मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू।